हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं नर्सरी से कुछ प्लांट्स लेकर आई थी और इस टाइम पर आपको कौन कौन से प्लांट नर्सरी में ज़्यादातर से देखने को मिलेंगे उन सभी के नेम और प्राइस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। फर्स्ट प्लांट आप मेरे सामने देख रहे हो, मदर ऑफ थाउजेंड। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बड़ी बड़ी लीव्स वाला प्लांट है और इस पर येल्लो कलर के फ्लावर आ रहे हैं और ये प्लांट मुझे 50 रुपीज़ का मिला है। मदर ऑफ थाउजेंड का क्या होता है कि इसके एक प्लांट से ही हम काफ़ी सारे प्लांट अपने घर पर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियों में से भी इसके न्यू प्लांट निकलते रहते हैं। छाया में भी हम इनको इजी से ग्रो कर सकते हैं और धूप में भी। काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं, ये सकुलेंट होते हैं, तो बस इनमें पानी हमें कम डालना रहता है। तो मदर ऑफ थाउजेंड्स जो प्लांट होते हैं इनकी बहुत सारी वैरायटी होती है। मेरे पास दूसरे वाले भी हैं लेकिन उनकी जो लीव्स हैं वो काफ़ी बारीक वाले हैं और काफ़ी उनकी हाइट हो जाती है। नेक्स्ट क्लांचू लेकर आई हूँ। इस टाइम पर आपको क्लांचू भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं नर्सरी में। क्लांचू काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। ये भी एक सकुलेंट है तो पानी आपको कम डालना है और 50 रुपीज़ का मुझे क्लांचू मिला है। क्लांचू हाइब्रिड भी होते हैं और देसी भी होते हैं। इसको हम धूप में भी रख सकते हैं, छाया में भी। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्लांट लेकर आए हैं हम साल्विया के, और साल्विया के जो प्लांट हैं ये मुझे 20 रुपीज़ के मिले हैं और काफ़ी अभी 2-3 महीने तक हमें अच्छे से फूल दे देंगे। हम इनको धूप में रखेंगे, पूरा दिन की तो नहीं लेकिन ऐसी जगह पर रख देंगे जहां पर इन्हें 3 से 4 घंटे की अच्छी धूप मिल जाए। इस टाइम पर आप साल्विया को कटिंग से भी अपने घर पर ईजी से तैयार कर सकते हो। साल्विया आपको 2-3 तरह के कलर में मिलता है। एक सिनेरेरिया का प्लांट लेकर आई हूँ। सिनेरेरिया प्लांट की ग्रोथ मुझे बहुत ही बढ़िया लगी और फूलों के कलर भी बहुत सारे थे। और इसकी खास बात ये रहती है कि एक बार फूल खिलने के बाद कम से कम 1 महीने तक ऐसे के ऐसे ही इसके फूल खिले रहते हैं। लेकिन आपको बस फूल खिलने के बाद इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसे सिर्फ 1.5 घंटे की धूप मिले, तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इसके फूल आपको फ्रेश दिखाई देंगे। ये प्लांट भी मुझे 50 रुपीज़ का ही मिला है। नेक्स्ट डहेलिया के कुछ प्लांट लेकर आई हूँ। डहेलिया के फूलों का साइज आप देख सकते हो कितना बड़ा हो रखा है और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सीड्स ग्रो किया हुआ है, क्योंकि जो नॉर्मल डहेलिया के प्लांट लेकर आते हैं उनकी पत्तियाँ छोटी छोटी रहती हैं और इतना बड़ा फूल का साइज नहीं रहता है। डहेलिया का एक प्लांट मुझे 60 रुपीज़ का मिला है। मैं 2 प्लांट लेकर आई हूँ। अगर आप चाहें तो इस टाइम पर डहेलिया के जो प्लांट होते हैं इन्हें कटिंग से भी इजी ग्रो कर सकते हो, क्योंकि इनके पास से जो स्टेम्स निकलते हैं इन्हें हम कटिंग से ईजी ग्रो कर जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स डहेलिया को बल्ब से भी तैयार किया जाता है। इनके बल्ब सेप्टेम्बर में लगाए जाते हैं, अगस्त सेप्टेम्बर में इनके बल्ब को ग्रो किया जाता है और काफ़ी अच्छी ये प्लांट फ्लावरिंग देते हैं। सीड से भी इनको ग्रो किया जाता है। यहाँ पर मैंने एग्लोनीमा की कुछ कटिंग लगाई हैं, तो ये महीना जो चल रहा है इस टाइम पर आप कटिंग्स वगैरह भी लगा सकते हो। मैंने एग्लोनीमा की कटिंग लगाई हैं क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, जो इनके मेन प्लांट होते हैं बहुत टाइट होकर टूट जाते हैं या फिर पत्तियाँ बहुत सारी इनकी ब्राउन हो जाती हैं। तो मैंने क्या किया कि जितनी भी मेरी कटिंग थी उन सबको अच्छे से ग्रो कर दिया है और अभी देखो सूखी नहीं है। इन्हें कम से कम 8 से 10 दिन हो गए हैं मुझे लगाए हुए। और इस टाइम पर आपको नर्सरी में मैरीगोल्ड प्लांट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो मैरीगोल्ड जो होते हैं ये परमानेंट प्लांट होते हैं, सर्दी में भी आपके पास रहते हैं और गर्मी में भी। तो गर्मियों में इनकी आपको ये वाली वैरायटी देखने को मिलती है जिन पर फूलों के साइज छोटे रहते हैं और कलर भी इनमें बहुत सारे होते हैं। 20-20 रुपीज़ के आपको ये नर्सरी में मैरीगोल्ड मिल जाएंगे। पूरा दिन की धूप में आप इनको रख सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स इस टाइम पर आपको रोज़ भी नर्सरी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, गुलाब, और काफ़ी डिफरेंट वैरायटी आपको मिल जाएंगी। 80 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 150 तक, 200-300 तक आपको गुलाब मिलते हैं। गुलाब की बहुत सारी वैरायटी होती हैं। 3 से 4 घंटे की अच्छी धूप मिल जाए ऐसी जगह आप रख सकते हो। नेक्स्ट इम्पेशियन प्लांट। इम्पेशियन भी इस टाइम पर नर्सरी में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप गर्मी में सेव करके रख सकते हो तो
ही लेना, अदरवाइज़ आपको इस टाइम पर इम्पेशियन प्लांट बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि इसकी कितनी भी हम केयर कर लें ये गर्मियों में ख़राब हो ही जाता है। तो मेरे पास जो ये प्लांट है आप देख सकते हो अभी इतनी ज़्यादा धूप नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसकी पत्तियाँ जो हैं वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गई हैं। इस प्लांट का क्या होता है कि इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो गल जाएगा और कम पानी डालेंगे तो इसकी पत्तियाँ मुड़ जाती हैं। ज़्यादा धूप में नहीं रख सकते, सिर्फ आधा एक घंटे की धूप मिले ऐसी जगह। नेक्स्ट पिटोनिया, पिटोनिया भी इस टाइम पर नर्सरी में बहुत ज़्यादा है। जिस पिटोनिया की सीडलिंग लेट होती हैं वो काफ़ी लेट तक ही फ्लावरिंग करते हैं, तो पिटोनिया आपको 20-20 रुपीज़ के बहुत सारे मिल जाएंगे। आप चाहे तो अभी भी ले सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास 3 महीने हैं जो कि आप अपने गार्डन को डेकोरेट के लिए पिटोनिया को ले सकते हो। और इनके बहुत सुंदर सुंदर कलर आपको मिलते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है पिटोनिया देखने में। हैंगिंग पॉट में लगाइए और इनको जितनी अच्छी धूप मिलती है उतनी अच्छी ये फ्लावरिंग करते हैं। नेक्स्ट कॉर्नेशन इस टाइम पर नर्सरी में आए हुए हैं। कॉर्नेशन भी आपको 20-40 रुपीज़ का ही मिल जाएगा। कॉर्नेशन जो प्लांट होता है ये डायंथस की ही वैरायटी होती है, बस डायंथस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और इस प्लांट को गर्मियों में बचाना बहुत मुश्किल रहता है। कॉर्नेशन के फूल भी बहुत सुंदर होते हैं और आपको कई सारे कलर में मिलते हैं। इस प्लांट को सीड से भी आप इजी ग्रो कर सकते हो और कटिंग से भी। अभी इनकी कटिंग भी अगर आप ग्रो करना चाहोगे तो हो जाएगी। हैंगिंग पॉट में ये प्लांट लगे हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। इन्हें आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर 2-3 घंटे की अच्छी धूप मिल जाए। अगर छाया में रखते हैं तो फूल कम आते हैं, पत्तियाँ ज़्यादा आती हैं। तो आप कोशिश किया करें कि प्लांट को, सर्दियों वाले जो प्लांट होते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिल सके। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जिरेनियम भी इस टाइम पर आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, ओनली 60-60 रुपीज़ के, और बहुत सारे कलर भी अलग अलग मिलेंगे आपको। जिरेनियम भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। जिरेनियम परमानेंट प्लांट होते हैं, गर्मियों में अगर आप इनको सेव करके रख सकते हो तो आपके पास रह जाते हैं। सिर्फ धूप से ज़्यादा आपको इनको बचाना होगा। आपको एक घंटे की धूप मिले ऐसी जगह रख दीजिए, पूरा दिन की धूप इन पर मत पड़ने दीजिए। जिरेनियम प्लांट कटिंग से इजी ग्रो होता है, तो आप अभी भी इनकी कटिंग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। प्लांट भी इनका आप अभी ऐड कर सकते हो, क्योंकि परमानेंट प्लांट है, जल्दी से ख़राब नहीं होगा। मैंने इसको 7-8 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और इतना पॉट इनके लिए काफ़ी रहता है। बस 15-20 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप सरसों खली का भी डाल सकते हो। नेक्स्ट गुड़हल भी इस टाइम पर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी आपको मिल जाएंगी। 80 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 200, 300, 100 इस तरीके की रेंज में आपको गुड़हल मिलेंगे और काफ़ी कलर भी अलग अलग मिलते हैं। तो गुड़हल की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, देसी प्लांट होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। इन पर मिलीबग्स ज़्यादातर से जल्दी से लग जाती हैं, तो आप उसके लिए किसी भी देसी दवाई का उपयोग कर सकते हो। गुड़हल जो प्लांट होते हैं ये परमानेंट प्लांट होते हैं, सर्दी में भी आपके पास रहते हैं और गर्मी में भी आपके पास रहते हैं। अगर आपको लगे कि आपके प्लांट में ज़्यादा मिलीबग्स वगैरह लगे हैं तो आप नीम ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। और गुड़हल को 2-3 घंटे की अच्छी धूप मिल जाए ऐसी जगह पर रखिए, जब पूरा दिन की धूप में मत रखिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।